हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। देखने जा रहे हैं सीरीज का नेक्स्ट पार्ट, करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं अभी। आयुष्मान भव, आज आपसे बातें करने को जी होवाया था माते। कहो वत्स। मैंने जो कुछ किया ठीक किया ना माते? तुम अधर्म कर ही नहीं सकते पुत्र, तुम्हारा जन्म ही हुआ है इस धरती पर धर्म का नाम बढ़ाने के लिए। तुम्हारी माँ होना बड़े गर्व की बात है। बस आपका आशीर्वाद चाहिए माते। वो तो सदैव है पुत्र, प्रतिज्ञा शब्द को अर्थ देने वाले अपने इस पुत्र के लिए तो मेरा आशीर्वाद सदैव है। जो तुमने किया वो किसी मानव या देव के लिए संभव न था, परंतु जो तुमने किया वो करना भी चाहिए था। तो फिर अब मेरे लिए क्या आदेश है माते? तुम आदेशों से ऊपर हो पुत्र, तुम उनमें से नहीं जो केवल अपने कर्तव्य का पालन कर लेते हो। तुम वो हो जो धर्म का पालन करने के लिए ही जन्म लेते हैं। चंद्रमा को क्यों निहार रही हो? क्षमा मांग रही हूँ आर्य पुत्र। क्षमा? हाँ, मैं ही चंद्रदेव की अपराधिनी हूँ। सौंदर्य, और यदि उस सौंदर्य में सुगंध भी हो तो वो कभी अपराधी नहीं हो सकता। मेरा सौंदर्य ही तो आपके जीवन के चंद्रमा का ग्रहण बन गया है। ना सुंदर होती ना भीष्म के साथ इतने बड़े अन्याय का आधार बनती। यदि मनुष्य यूं सोचने लग जाए तो जीवन असंभव हो जाए। परंतु सत्य तो फिर भी यही है ना? नहीं, ये संपूर्ण सत्य नहीं है। संपूर्ण सत्य तो ये है प्रिय कि ये सब भाग्य रेखाओं का जाल है। मनुष्य मछली की तरह फंसता है और विवश हो जाता है, और यदि वो न फंसना चाहे तो ये भी उसके वश में नहीं। याद आता है जब गंगा ने मेरे इस आठवें पुत्र को गंगा में बहाना चाहा तो मैं चुप न रह सका। दिया हुआ वचन तोड़कर कारण पूछ ही लिया। तब गंगा ने कहा था कि मेरे ये आठों पुत्र वास्तव में वसु हैं, जिन्हें एक शाप के कारण इस धरती पर जन्म लेना पड़ा। परंतु लगता है इस आठवें वसु का शाप अभी पूरा नहीं हुआ, नहीं तो आप दिया हुआ वचन न तोड़ते। पर ये है देवी कि भीष्म की भाग्य रेखा तो हम दोनों की प्रेम रेखा से बहुत पहले से खींची चली आ रही है। हम तो केवल एक बहाना है। यदि हम ना होते तो भी भीष्म को अपनी भाग्य रेखा के दूसरे छोर तक जाना ही पड़ता। क्या आपकी अंतरात्मा आपकी ये बात मान गई यारी पुत्र? मैंने काल का क्या बिगाड़ा था कि उसने मुझे कटार बनाकर भीष्म की छाती में उतार दिया? तुम ये क्यों नहीं सोचती कि यह हमारा सौभाग्य है कि हमें गंगा पुत्र भीष्म जैसा पुत्र मिला? अवश्य है आर्य पुत्र, परंतु
क्या ये भीष्म का दुर्भाग्य नहीं कि उसे सत्यवती जैसी माता मिली? निष्ठुर, कठोर, स्वार्थी। ये कहकर उसकी पिता भक्ति का अपमान तो न करो। तो क्या ये ना कहकर मैं भीष्म का अपमान करती रहूं आर्यपुत्र? यदि कोई दोषी है तो वो मैं हूं, क्योंकि जब उसने ये प्रतिज्ञा की थी तब तुम उसकी मां नहीं थी। परंतु मैं तब भी उसका पिता था। अपने वर्तमान के लिए हस्तिनापुर का भविष्य दांव पर मैंने लगाया है, तुमने नहीं। राजगुरु, युवराज का स्थान रिक्त क्यों है राजन? महाराज, उस समय तक ये स्थान रिक्त रखने के लिए वचनबद्ध है राजगुरु महोदय, जब तक कि महारानी सत्यवती किसी कुमार को जन्म नहीं देती। और ये वचन किसने दिया महामंत्री? महाराज के सिवा ये वचन कौन दे सकता है राजगुरु? और महाराज को ये वचन देने का अधिकार किसने दिया महामंत्री? महाराज को अधिकार देने वाला कौन है राजगुरु? क्यों, क्या यह भूमि महाराज की है? राजन, तुम क्या यह भूल गए कि तुम निधिपति नहीं प्रतिनिधि हो? निधिपति तो केवल ईश्वर है, इसलिए ये निर्णय लेने का तुम्हें अधिकार ही नहीं। मैं ये जानना चाहता हूं कि युवराज देवव्रत में महाराज ने ऐसा क्या खोट पाया कि वे हस्तिनापुर को एक नूतन युवराज देने के विषय पर विचार कर बैठे। देवव्रत में ऐसा कोई अवगुण है भी तो महाराज ने उस राजकुमार में ऐसा कौन सा गुण देख लिया जो अभी तक कर्म में भी नहीं आया है? परंतु क्या प्रजा को राजा से ये प्रश्न करने का अधिकार है राजगुरु? प्रजा को राजा से कोई भी प्रश्न करने का अधिकार है महामंत्री? यदि आज्ञा हो तो ज्ञान मूर्ति के प्रश्न का उत्तर मैं दूं महाराज। नहीं, मुझे उत्तर नहीं, न्याय चाहिए राजकुमार। समय की बात मत कीजिए राजगुरु, क्योंकि समय केवल साक्षी होता है। कर्म की बात कीजिए, क्योंकि कर्म स्वयं हमारे अपने होते हैं और हम अपने कर्मों के स्वयं उत्तरदायी भी होते हैं। बिल्कुल, क्या ये सत्य नहीं राजगुरु? अवश्य यही सत्य है युवराज कुमार। तो फिर आप मेरे कर्मों के लिए महाराज को कैसे उत्तरदायी मान सकते हैं राजगुरु? महाराज ने तो दाशराज या महारानी को कोई वचन ही नहीं दिया। हाँ, यदि वे मुझे अपना कर्तव्य पालन करने से रोकते तब भी वे अन्यायी ही कहे जाते। उन्होंने तो दाशराज से यह कहकर कि वो मुझे युवराज बना चुके हैं अपने कर्तव्य का पालन कर लिया था। महाराज ने तो दाशराज से यह भी कहा कि उन्हें निर्णय बदलने का अधिकार ही नहीं है। दाशराज को यह वचन मैंने दिया था राजगुरु कि महारानी सत्यवती का ज्येष्ठ पुत्र ही राज करेगा, और यह वचन देकर मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया है। परंतु तुमने ऐसा क्यों किया युवराज? मैंने ऐसा इसलिए किया राजगुरु कि कोई दुखी राजा प्रजा को कभी सुखी नहीं बना सकता। और इसका दायित्व किस पर होगा कि महारानी के गर्भ से जन्म लेने वाला कुमार इस राज सिंहासन के योग्य ही होगा? ये तो हस्तिनापुर की भाग्य रेखा देखकर आप ही बतलाइए राजगुरु।
परंतु यदि भीष्म के वचन का कोई मूल्य है तो आज मैं हस्तिनापुर को यह वचन देता हूं, कृष्णराज सिंहासन पर जो भी विराजमान होगा उसमें यह गंगा पुत्र देवव्रत अपने पिता श्री की ही छवि देखेगा और आजीवन उसकी सेवा करता रहेगा। क्या बात है भाई, भीष्म जी तो एक बार अच्छे से आंसर उन्होंने किया है। बिल्कुल, एक जब देखा है ना उन्होंने, एक गुरु जी ने एक युवराज की जगह खाली है क्योंकि वहाँ तो भीष्मा जी बैठते थे, तो वाकई उनके एक मन में काफ़ी ज़्यादा एक क्वेश्चन आए हैं तो वो खड़े हो गए, उन्होंने बोल दिया है। लेकिन फिर भी ना एक ये फैसला जो है ना ये पीछे हो चुका है। जैसे अब सत्यवती जी वो अभी भी परेशान है इस चीज़ को लेकर कि शायद मेरी वजह से ये सब हो रहा है या ऐसे नहीं होना चाहिए था, लेकिन महाराज ने उनको एक समझाया जरूर है। नहीं, बाकी सही बात है कि प्रजा ने एक सवाल जवाब तो ज़रूर करने थे कि आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि एक प्रजा गलत भी सोचती होगी कि महाराज ने अपने एक फ़ायदे के लिए, अपनी एक शादी के लिए एक मतलब कि युवराज को एक कुर्बान कर दिया। लेकिन ये चीज़ें आगे अगर भीष्मा जी बताते तो तब भी जाकर एक प्रजा ने भी समझना था, तो इसलिए अब उन्होंने एक अच्छे से समझाया तो अब लोग ना एक डाउट नहीं करेंगे। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये कि एक फिर राजगुरु का गुस्सा जो है ना वो बनता भी था, क्योंकि उनके वो तो ये समझ रहे थे एक महाराज ने इस तरह का ये एक वचन जो ज़बरदस्ती शायद दिलवाया, तब जाके एक भीष्मा जी आया है, उन्होंने कहा कि ये उन्होंने खुद जो कुछ भी किया उन्होंने खुद किया है। लेकिन ये कि आगे भाई उससे बड़ा वचन उन्होंने वहाँ पर एक प्रजा के सामने लिया है कि जो भी नया राजा आएगा, जो भी मतलब उनको एक एज ए महाराज ही वो देखेंगे और उनकी उम्र भर के लिए एक सेवा करेंगे, ये एक बहुत बड़ा भी वचन है उनके लिए। आगे देखो बिल्कुल, अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।